तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रबंध में। और इस वीडियो में मैं जो है फुल रिव्यू करने वाला हूँ हैबोक ओएस 2.1 जो है एंड्रॉयड पाई पे चलता है हमारे रेडमी नोट 3 के लिए। एंड इस रूम को अगर आप चाहते हैं कि कैसे फ्लैश करना है तो आप जाना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि इस रूम को कैसे फ्लैश करना है। फ्लैशिंग गाइड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और सारा कुछ जो है डाउनलोड लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेटिंग्स में लेके जाता हूँ और दिखा देता हूँ, सिस्टम में दिखा देता हूँ कौन से वर्जन पे मैं चल रहा हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस जो है रेडमी नोट 3 है, 2GB 16GB वाला वर्जन। एंड जो है ये जो है एंड्रॉयड पाई पे चल रहा है। और थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखा दूँ, एंड्रॉयड पाई पे चल रहा है और इसका सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 5 जनवरी 2019 का है। और इसका कर्नल देख सकते हैं, कर्नल वर्जन का नाम जो है बहुत ही बड़ा है। ये टोटली सेम कर्नल है जो हैबोक ओएस 2.0 के कस्टम रूम में था। ठीक है, तो कोई भी कर्नल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। एंड जो है हैबोक ओएस सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि इसका वर्जन जो है 2.1 है, जिसका बिल्ड डेट है 13 जनवरी 2019। तो अभी मैं आपको फीचर्स के रिलेटेड कुछ चीज़ बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें जो जो फीचर्स मिलते हैं सब कुछ जो है हैबोक ओएस 2.0 में था, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। इस वीडियो में मैं सारा कुछ जो है फीचर्स तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उस वीडियो में मैं सारा कुछ फीचर्स को कवर अप किया हूँ, तो आप उसको पहले देख लीजिए अगर आप सारे फीचर्स जो है जानना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़े थोड़े फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि पहले आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिसमें डबल टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक पुल एंड स्मार्ट पुल का भी ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो इसमें ब्रीदिंग नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड जो है नीचे आप अगर आप देखेंगे तो बैटरी में आपको बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज और बैटरी बार भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और नेटवर्क ट्रैफिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके वजह से आप जो है अपने नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं कि कितना जो है नेटवर्क स्पीड आपका आ रहा है। ठीक है, और जो है इसमें आपको जो है ब्राइटनेस स्लाइडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ऊपर आप जो है हॉरिजेंटली अपने नोटिफिकेशन पैनल को अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसा ऑप्शन आपको जो है इस कस्टम रूम में मिल जाता है। और ऑटो ब्राइटनेस आइकन भी आप अपने नोटिफिकेशन पैनल पे रख सकते हैं। और अभी जो है इंटरफेस ऑप्शन में आपको यूआई स्टाइल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं पिक्सल पे सेट किया हूँ जो कि बहुत ही कूल और अच्छा देखने में मिलता है। और बैकग्राउंड कलर भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी जो है लाइट पे सेट किया हूँ। और नोटिफिकेशन कलर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एक्सेंट कलर का भी ऑप्शन मिलता है, नाइट मोड भी आपको मिल जाता है। और इसमें QS थीम में आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन जो है देखने को मिलता है, जो है QS टाइटल स्टाइल, जो मैं अभी इंक में रखा हूँ। और आप देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन अभी पुल डाउन करता हूँ, और जैसे कि आप नोटिफिकेशन टॉगल जो देख रहे हैं उसी की वजह से ही ये जो है कस्टमाइजेशन हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को जो है हमको मिल जाता है। और जो है एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, और एम्बिएंट डिस्प्ले को भी आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना कुछ जो है ज़्यादा ऑप्शन एम्बिएंट डिस्प्ले में नहीं दिया गया है। और जो है भाई लोग भरपूर फीचर्स इसमें मिलेगा, नो डाउट आपको फीचर्स की कमी होगी। इसमें आपको नेविगेशन बार भी मिलेगा, गेस्चर्स भी मिलेगा, गेस्चर्स में आपको स्वाइप थ्री फिंगर टू टेक ए स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाता है। और जो है बहुत सारे नेविगेशन कंट्रोल्स जो है अपने हिसाब से गेस्चर से सेट कर सकते हैं, और स्वाइप अप गेस्चर भी आपको मिल जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि और कोई कस्टम रूम में आपको नहीं मिलेगा। और अभी मैं आपको लेके जाता हूँ लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में जो है अपने हिसाब से आप विजुअलाइजर सेट कर सकते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो है डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जो है फेस ऑटो अनलॉक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है नीचे, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है मिल जाते हैं। एंड जो है नीचे आपको एनिमेशन में अगर आपको दिखा दूँ तो एनिमेशन में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं। तो पहले मैं नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है आपको। नोटिफिकेशन में आपको जो है हेड्सअप नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से जो है कंट्रोल कर सकते हैं हेड्सअप नोटिफिकेशन को। और अभी जो है हम एनिमेशन में जाते हैं, तो एनिमेशन में नीचे आप देख सकते हैं कि जो है आपको
मिल जाता है, पावर पावर ऑफ एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन जो है मिल जाता है उसमें, सीआरटी है जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप सीआरटी यूज़ कर रहे होंगे तो अभी मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल की लॉक स्क्रीन एनिमेशन जो है कैसा लगता है। मैं अभी लॉक करता हूँ और ये जो है सीआरटी वाला एनिमेशन है जो कि बहुत ही कूल देखने को मिलता है, और इसमें फेस ऑटो अनलॉक भी है, मतलब फेस अनलॉक भी है। अभी मैं आपको एक डेमो जो है दिखा देता हूँ, और फेस अनलॉक फास्ट है, रेस्पॉन्सिव है, और आपको मतलब वेल लाइटिंग कंडीशन में आपको जो है बहुत ही जल्दी जो है ये अनलॉक करके दे देगा आपके फ़ोन को। तो सिस्टम में आपको प्राइवेसी गार्ड और जो है बर्न बर्न इन प्रोटेक्शन जो है ऑटोमेटिकली ऑन मिलता है, और जो है अन्य अन्य सेटिंग्स जो है आपको मिल जाता है जो कि जिसमें बहुत सारे फीचर्स जो है। आप खुद जो है मिशलन इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च म्यूजिक ऐप, और जो है इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो कैमरा की बात करूँ तो कैमरा में आप देखेंगे कैमरा को क्वालिटी ठीक ठाक है, एवरेज है, और इसमें आपको डिफ़ॉल्ट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप पोर्ट्रेट मोड अपने फ़ोन पे चाहते हैं तो आप कोई भी मोडेड एपीके, गूगल का मोडेड एपीके आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे फ़ोन जो है 2 GB 16 GB वाला वर्जन है रेडमी नोट 3 का, उसमें जो है पिक्सल 3 का कैमरा जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जो है इंस्टॉल नहीं किया हूँ। हालांकि अगर आप 3 GB 32 GB वाला ऑप्शन मतलब जो है वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो आपका पिक्सल 3 वाला कैमरा जो है काम करेगा। एंड जो है अभी मैं जो है GC मोड 5 जो है इंस्टॉल किया हूँ जो कि थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है, और ये परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन इसमें नाइट साइड आपको जो है नहीं मिलेगा, इसमें पोर्ट्रेट मोड और HDR+ का आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा 2 GB 16 GB वाला वर्जन में। हालांकि इसमें जो है इस कस्टम रोम में आपको डिफ़ॉल्ट कैमरा टू API जो है एनेबल करके दिया गया है। और हालांकि कैमरा डिपार्टमेंट तो मैं आपको बोल दिया हूँ ठीक ठाक है, लेकिन जो है इसका बैटरी लाइफ मुझे इतना जो है इंप्रेसिव नहीं लगा। हालांकि मैं बहुत जो है एक्सट्रीम गेमिंग किया हूँ इस कस्टम रोम पे, तो बैटरी लाइफ थोड़ा सा जो है मुझे जो है कम लगा, लेकिन एवरेज है। कोई ऐसा जो है बैटरी ड्रेनिंग का इशू टोटली नहीं है। मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैवी टेस्टिंग किया हूँ और पबजी गेम प्ले बहुत किया हूँ, इसलिए बैटरी थोड़ा मुझे जो है कम लगा है, लेकिन आपको अगर आप एवरेज यूजर है तो आपको बैटरी ठीक ठाक जो है मिल जाएगा। और पबजी गेम प्ले की बात करूँ तो पबजी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। हर कस्टम रोम को आप देख लो, ये जो है बेस्ट कस्टम रोम है फॉर गेमिंग, मैं आपको बता सकता हूँ। इसके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके ऊपर जो है एक पबजी का गेम प्ले वीडियो जो है मेरे चैनल पर बहुत ही जल्द आएगा, हैबो को इसमें कैसे चलता है, और डेडिकेटेड एक वीडियो मैं जो है बना दूंगा। हालांकि कुछ दिनों पहले मैं एक जो है आपको हैबो क्वेस्ट 2.0 का वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैं बोला था इसमें एक जो है मेजर बग है, अगर आप अपने फ़ोन को रिबूट कर लेते हो तो ये जो है रिबूट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो वाला बग का मुझे जो है फिक्स मिल गया है। फिक्स अगर करना आप उस चाहते हैं बग तो को, उसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप जो है कोई भी बूट एनिमेशन जो है उसका जिप डाउनलोड कीजिए और अपने जो है TWRP से फ्लैश कीजिएगा, और इसका जो है बूट एनिमेशन चेंज हो जाएगा तो अपने आप जो है ये वाला बग जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो है इसको ट्राई किया था, और सिर्फ रिबूट के लिए जो है 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लेता है रिबूट के लिए, और ऐसा जो है इशू नहीं होता है कि 5-6 मिनट ले जाता है, ठीक है। तो अगर बग्स की बात करूँ तो कोई मेजर बग्स अब तक मुझे जो है देखने को नहीं मिला है। सिर्फ एक जो है मेरा पिक्सल 3 कैमरा मेरा 2 GB 16 GB वाले वर्जन पे नहीं चल रहा है, हालांकि इसमें जो है कैमरा टू API है, और थोड़ा मुझे जो है लगा कि कभी कभी जो है ब्राइटनेस जो है अपने आप डिक्रीज हो जाता है, हालांकि मेरा जो है ऑटो ब्राइटनेस जो है एनेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे वो भी एक बग लगा, और जो है कोई मेजर बग्स इसमें नहीं, मुझे जो है नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कस्टम रोम जो है मुझे बहुत ही लगा अच्छा लगा, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।